हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड प्ले। आज हम बात करेंगे एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में। बेसिकली कल मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्टली जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए थे उसमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और फिर प्रोजेक्ट को समझाया था मैंने, ठीक है। बट अब जो ये सेकेंड वीडियो आया है इसमें हम आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे थ्योरेटिकली हाउ इट वर्क्स, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये कंटेंट फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मेहनत करके, तो कम से कम एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो हम बात करेंगे ASP.NET MVC आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। MVC आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या, ये कैसे वर्क करता है? तो बेसिकली MVC का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। MVC सेपरेट्स एन एप्लीकेशन इनटू 3 कंपोनेंट्स, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल का मतलब होता है यहाँ पे मॉडल रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द डेटा। अ क्लास इन सी शार्प इज यूज टू डिस्क्राइब मॉडल। मॉडल ऑब्जेक्ट स्टोर डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटा बेस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि मॉडल बेसिकली ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वो एक टाइप का शेप होता है, मतलब जैसे कोई डेटा आ रहा है तो किस टाइप का डेटा है वो उस टाइप का एक डिजाइन बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होल्ड करता है, ऑब्जेक्ट होल्ड करता है व्हाट कम्स फ्रॉम जो भी डेटा बेस से रिट्रीव करते हैं हम, ठीक। व्यू क्या होता है, मॉडल रिप्रेजेंट द डेटा, राइट। देन व्यू क्या होता है, व्यू इन MVC इज अ यूजर इंटरफेस। मीन्स जो जैसे कि आप इस डॉक्यूमेंट के देख रहे हैं, ठीक है। तो यूजर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है, ठीक है। एक यूजर इंटरफेस है यूजर के सामने जिसमें कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, कंटेंट यूजर पढ़ रहा है, वो व्यू होता है जिसमें यूजर अपना जो भी इनपुट करता है या फिर उसके पास जो कंटेंट अवेलेबल होते हैं, जो भी एक डिस्प्ले में होते हैं, वो कंटेंट को यूजर देख सकता है। बेसिकली व्यू वही होता है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहे हैं, व्यू इन MVC इज अ यूजर इंटरफेस। व्यू डिस्प्ले मॉडल डेटा टू द यूजर एंड आल्सो इनेबल देम टू मॉडिफाई देम। व्यू इन ASP.NET MVC इज HTML, CSS एंड सम स्पेशल सिंटैक्स, रेजर सिंटैक्स दैट मेक्स इट इजी टू कम्युनिकेट विद द मॉडल एंड कंट्रोल। सो बेसिकली क्या व्यू क्या होता है, व्यू कॉम्बिनेशन जिसमें HTML भी होता है, CSS भी होता है और रेजर व्यू इंजन भी होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मॉडल के एंड कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मतलब हम नहीं करते, व्यू करता है, ठीक। इसीलिए व्यू को यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो कंट्रोलर हैंडल द यूजर रिक्वेस्ट। मीन्स अगर यूजर के सामने को मॉडल दिखता नहीं है, यूजर को कंट्रोलर दिखता नहीं, दिखता क्या है, व्यू दिखता है। अब व्यू में अगर कोई यूजर इनपुट करेगा तो वो रिक्वेस्ट कैसे सेंड होती, कैसे प्रोसेस होती है और फिर लास्ट में रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कंट्रोलर डिसाइड करता है। तो जैसे इसमें देखो कंट्रोलर, द कंट्रोलर हैंडल द यूजर रिक्वेस्ट। टिपिकली द यूजर यूजेस द व्यू एंड raise an HTTP request which will be handled by the controller. The controller processes the request and return the appropriate view as a response. इसका यह मतलब है कि जब भी हम यूजर रिक्वेस्ट करता है व्यू से, तो कंट्रोलर में ये रिक्वेस्ट जाती है जो कि बेसिकली एक HTTP रिक्वेस्ट होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, जो क्या होता है कि कंट्रोलर में प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद वो बेसिकली कंट्रोलर व्यू रिटर्न करता है यूजर को, ठीक है, रिस्पांस के टाइप में। तो वो व्यू जो रिटर्न होके आएगा वो यूजर को भी दिखेगा, उसमें चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे ABC हो सकता है, व्यू ब्लैंक भी हो सकता है, या उसमें डिजाइन हो सकता है, उसमें कुछ कंटेंट हो सकता है, एनीथिंग इन दैट व्यू। बट वो जो रिस्पॉन्स होके आएगा वही व्यू दिखेगा यूजर को, बेसिकली यही होता है। That's why we are calling controller is the request handler, ठीक है। हम नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि कैसे आर्किटेक्चर बेसिकली वर्क करता है। देखिए यहाँ पे एक ये व्यू है, ये व्यू है, व्यू वन सेकेंड,
ये जो व्यू है, देखो ये व्यू है ना, ये जो व्यू है बेसिकली, ये जो व्यू है, व्यू से हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट सेंड किया, ठीक है। और जो व्यू है यहां से डायरेक्ट मॉडल को भी रिक्वेस्ट आती है, ठीक। उसके बाद कंट्रोलर से हम जो व्यू रेंडर करते हैं डायरेक्ट यहां रेंडर हो जाती है, और उसके बाद कंट्रोलर से हम मैनिपुलेट भी करके मॉडल के थ्रू डेटा, मॉडल के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं यहां पे। तो बेसिकली क्या होता है, व्यू से रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से मॉडल के पास भी आती है, और व्यू से डायरेक्ट मॉडल के पास भी आ जाती है रिक्वेस्ट, जैसे ये इम्प्लीमेंट है। बट अगर आप देखेंगे करेक्ट तो कैसे, देखो ये यूजर है, सेट ओके ओके, ये यूजर है, ठीक। इसने क्या किया, यहाँ पे URL एंटर किया, जैसे आपका डोमेन एंटर होता है, रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आई, मॉडल के पास प्रोसेस हुई, और व्यू के पास प्रोसेस हुई, ठीक। तो ये एक तरीके से हम मॉडल भी टेस्ट कर लेते हैं, और मॉडल में डेटा ऑब्जेक्ट को स्टोर भी कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, व्यू को भी रिक्वेस्ट जाती है, तो डायरेक्ट व्यू को भी रिक्वेस्ट जा सकती है। उसके बाद व्यू से हम मॉडल को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें प्रोसेस होती है कंट्रोलर व्यू मॉडल में, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हमें रिस्पांस आ गया, कहाँ पे आया, ब्राउज़र पे। तो यूज़र को, जैसे यूज़र ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट यहाँ सेंड करी, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से जो रिस्पांस आएगा यहाँ पे व्यू में यूज़र को दिख जाएगा, ठीक है। बेसिकली यही कंसेप्ट होता है। अब आगे हम बात करेंगे, तो इसमें क्या है, एज पर द अबव फिगर व्हेन यूजर एंटर द यूआरएल ऑफ ब्राउजर इज गोज टू द वेब सर्वर एंड राउटेड टू अ कंट्रोलर। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, ये राउटिंग सिस्टम रहता है इसमें, उस राउटिंग सिस्टम के थ्रू किस पाथ पे जाना है वो राउट डिसाइड करता है, ठीक है। अ कंट्रोलर एग्जीक्यूट रिलेटेड व्यू एंड मॉडल फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एंड क्रिएट द रिस्पॉन्स एंड सेंड इट बैक टू द ब्राउजर। वो पर्टिकुलर कंट्रोलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, उसके बाद वो एक रिस्पांस जनरेट करता है और फिर यूजर को सेंड कर देता है बैक। तो इसमें बेसिकली मेन पॉइंट्स क्या है, जो हमारा की पॉइंट्स है, ये है कि MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल रिप्रेजेंट द डेटा, व्यू इज अ यूजर इंटरफेस, उसके बाद क्या है यहाँ पे, कंट्रोलर इज द रिक्वेस्ट हैंडलर। तो इसमें क्या बोलेंगे, कंट्रोलर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज जो मैंने बताया, ये MVC आर्किटेक्चर है, ठीक, कि कैसे MVC आर्किटेक्चर वर्क करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर में जो बताएंगे, अब कैसे मॉडल डेटाबेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हम यूज करेंगे, तो फिर कल मैं कुछ टेबल्स बनाऊंगा और फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।